You know, it happened in Mumbai, and that is, somebody gave a request, you know, that shall we meet? I say yes. And the answer came, then let's meet at that coffee place on the corner of that road. And the gentleman went there, and they had passed this message, how will I recognize? The man said, I'll wear a blue shirt. How will I recognize you? The woman had written, I'll wear a pink dress. So, fine. They go there, and he goes, and he, oh, there is that pink dress in the corner. And he goes up close, and he got shock of his life. It was his daughter. So he had faked a photo, faked an identity, and then that man ended up being on a date with his own daughter. Oh, dekh rahe, blue shirt. Dad, what are you doing in a blue shirt? And he said, well, that's my office uniform. I wear every day blue shirt. I said, no, you don't. So why are you wearing a pink? But in any case, agar aapko koi date hove, date pe koi bulaye, aapka dost bulaye, ke bhaiya bahut din ho gaye mile nahi, chalo ek chai ke cup pe, ek coffee ke cup pe milte hain, aapka jigri yaar aapko bulaye, aap miss nahi karoge. To thodi si appointment thoda us pyare parmatma ke saath bhi jodo. Kai baar log kehte hain, jaise Jharna ne likha, ke bhagwan se to kuch pyar aata nahi hai, to hum karein kaise? चल झरना सवाल के जवाब में हाथ खड़ा कर देना, तुम्हें मुझसे प्यार है? कितनी है तो फिर मेरे लिए करना. परमात्मा के लिए ना सही, मेरे लिए ही कर ले. मुझे अच्छा लगेगा, तुम ध्यान में बैठोगे, तुम सुमिरन करोगे, ये मुझे अच्छा महसूस करेगा. क्योंकि जब तुम आनंद और सुख में होते हो, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा आनंद और सुख की बात होती है. तो मेरे आनंद के लिए तुम भजन में बैठो, मेरे लिए बैठ जाओ, रहने दो भगवान को, हमने कौन सा देखा उसको, है ना? बोलो रहने दो, हम नहीं जानते तुम कौन हो, हम नहीं जानते तुम कौन हो. सूफियों ने यह बात कही और डंके की चोट पे कही. उनने कहा, मैंने नहीं देखा अल्लाह कहाँ है, पर मुर्शिद मैंने तुझे देखा, इसलिए मैं तेरी मोहब्बत में स्वयं को डाल दूंगा, जो तुझको पसंद हो मैं वो करूंगा. अब इसमें मेरा खुदा भी राजी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, पर मैं तो तुझे राजी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तू दिख रहा है. तू जिस परमात्मा की मस्ती में मस्त है, तू मस्त रह, हम तो तुझी को देख के मस्त है. प्रेम से इस भजन को सुनिए. प्रेम प्याला गुरु दिया रे साधो रे, मेरे गुरु ने मुझको प्रेम का ऐसा प्याला पिला दिया है, जासों मस्त मगन हम थिया रे, जिसकी वजह से हम मस्त हो गए हैं. थिया मतलब हो गए हैं. प्रेम बठी का सतगुर साकी, साकी मतलब जो शराब पिलाए, बठी मतलब जिसमें शराब निकाली जाती. कहते मेरा सतगुरु प्रेम की बठी को चलाता है और प्रेम की शराब को पिलाता है, और पर इस प्रेम की शराब को हमने पिया कैसे? सिर साठे हम लिया रे. साठे मतलब सिर काट के देना पड़ा, सिर देना पड़ा. क्या मतलब? अहंकार देना पड़ा. तो फिर उसके बदले में मुझको मेरे सतगुरु ने प्रेम की उस शराब को पिला दिया, जिसे पी के हम मस्त हो गए. पीवत प्रेम बिसर गई काया, इस प्रेम को पीने पर मैं अपने ही शरीर को भूल गया. हाउ इंटॉक्सिकेटिंग दिस डिवाइन लव इज दैट व्हेन यू आर ड्रंक ऑन इट यू लूज द बॉडी कॉन्शियसनेस. दिल दर्पण कर लिया रे,
Now my heart has become a mirror in which Lord is getting mirrored. Meaning the reflection of Lord is now so clear in it. So if you can't see or feel God, then know it is because your mind is really dirty. It needs to be cleaned. It needs to be squeaky clean. And then, चढ़ी खुमारी उतरे नाहीं सदा अमर जुग जिया रे. अब ये जो प्रेम की शराब पी है, इसको पी के हम इतने मस्त हो गए हैं कि अब इसका नशा टूटता नहीं और अब ये अमर हो गया है मेरे अंदर. जुगों जुगों तलक ये नशा अब मेरे अंदर बन गया है जो कभी जाएगा नहीं. प्रेम से इस भजन को श्रवण करो.
अचिंत्य का चिंतन करना मुश्किल है, उस अनंत को मन की कैद में लाना भी कठिन है। इसीलिए कहा कि कम से कम दूर की बात ना सही, थोड़ी नज़दीक की करते हैं। तो पहली सीढ़ी, अपने सद्गुरु से मोहब्बत कर। उस सद्गुरु की मोहब्बत को तुम दिल में जितना उगने दोगे, जितना बढ़ने दोगे, धीरे धीरे फिर उस अनंत को, अनंत मतलब द वन विच इज बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज, एट द मोमेंट योर माइंड इज इन द बाउंड्रीज एंड लॉर्ड इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज, सो हाउ विल योर माइंड मेडिटेट ऑन लॉर्ड? Becomes difficult, I understand. But then that is why it is said, begin from the master, begin from the Murshid. Then Murshid will give you some tools to use, which you can understand. Then use those tools. एक जवान बच्चे ने मेरे को पूछा, मुझे समाधि कब होगी? मुझे ऐसा लगा जैसे नर्सरी का बच्चा पूछे मुझे PhD की डिग्री कब मिलेगी। You don't get PhD degree in your kindergarten school. एक ने पूछा, जिसकी मस्ती में शिवजी मस्त रहते हैं, मुझे उस मस्ती में मस्त रहना है, तो फिर थोड़ा शिवजी की तरह काम करना भी तो शुरू करो ना। जंगल में रहो, जटा बनाओ, तपस्या करो, है ना? रे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरी जॉब कौन करेगा? तो भैया फिर जॉब करते रहो। अच्छा, यू टेल मी, इफ यू से टू योर कंपनी, सी आई एम वेरी बिजी पर्सन, आई कैन नॉट कम टू ऑफिस टू वर्क, सो यू जस्ट सेंड मी माय सैलरी एवरी मंथ, विल इट वर्क? यू जस्ट गिव अ कॉल, आई एम सो बिजी आई कैन नॉट कम टू वर्क, बट यू सेंड मी माय सैलरी एवरी मंथ, the company will also send you a letter, one love letter. You know, in office, corporate offices, they call it the pink slip. Yeah, you get the pink slip, and that is, now you stay at a home and your services are not required anymore. Ek ladki wo HR department mein hai, to wo mujhe kehti ki main, mera kaam hai hire and fire, she's in the HR. So she says, whenever I have to do the hire, I'm okay. But when I have to fire, it's very tough. And there are these big black, you know, Americans who are 6 feet, 6.5, you know, very tall, very bulky one, 300 pound, 350 pound, 250 pound, that tall. And she's just 5 feet. So she says, I have to look like that. And how dare I say you are fired? So I begin my lecture like this, you are very talented. This company cannot afford you, you are too talented. Please go and look somewhere else. We cannot afford you, you are too rich for us, too talented for us. And she says, I am in a big trouble all the time, but then I have to do this, sing a song all the times. Aapko meri samadhi kab lagegi? To main kahungi, beta, चल मेरे साथ समाधियां भी लगवा देंगे, 3 साल मुझे दे दो मिनिमम, और हमारी इच्छा और मर्जी और ट्रेनिंग के अनुसार साधना करो, समाधि कोई बड़ी बात नहीं, वो मिल जाएगी। पर वो मुश्किल है तुम्हारे लिए। एक पूछते हैं, कहते अच्छा हम ना ऐसे तो रोज सुबह थोड़ी देर बैठते हैं। कितनी देर बैठते हैं? बोले जब आपका सत्संग आता ना टीवी पे तब बैठते हैं। मैं उसको बैठना नहीं कहते, वो तो आप सुन रहे हो, सुनना, सत्संग सुनना अच्छी बात है, पर बैठना कब हो? जब तुम्हारा आँख बंद है और जब तुम्हारा मन कहीं और ना जाए और जब तुम्हारा मन अंतर प्रार्थना में लीन हो जाए, इसको मैं कहूँगी बैठना। तो वो तुम कब बैठते हो? बोले जी वो तो कभी भी नहीं बैठता हूँ, बस पूछना ये था मन क्यों नहीं टिकता। मैं चूंकि तू बैठता नहीं ना, इसलिए मन नहीं टिकता, बैठना आवश्यक है। कह रहे फिर वो तो जरा मुश्किल काम है, मैं फिर तेरे मन का टिकना भी थोड़ा, कह रहे नहीं तो आप कृपा कर दो ना। मैं कृपा करने वाले वो कोई और हैं, तुम गलत नंबर डायल कर रहे हो, वो हम नहीं करते,
वो कोई और है, वो उनसे पूछो, अगर उनकी कृपा से समाधि लग जावे तो लगवा लो। हमारे पास तो ऐसा कोई जंतर मंत्र तंत्र, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि हम वैदिक परंपरा को फॉलो करते हैं, शास्त्रों को फॉलो करते हैं, भगवद गीता और उपनिषद को फॉलो करते हैं। और भगवद गीता में श्री कृष्ण ने एक बार नहीं कहा कि ये काम करेगा अर्जुन तो तेरी समाधि लग जाएगी, उन्होंने साधना की पद्धति बताई, ठीक है, और फिर उस साधना को जो करेगा वो समाधि को पाएगा। और जो कहे साधना तो हम नहीं कर सकते, तो फिर कृष्ण भगवान क्या बोलेंगे? देखो भगवान का ये बहुत सुंदर श्लोक आता है, भगवान कहते हैं अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मत भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह सह वह मदभावम वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। याति अत्र संशय न अस्ति, इसके ऊपर कोई संशय मत करो। अब अंत काल में स्मरण जो ईश्वर को करेगा सो ईश्वर को प्राप्त होगा, तो लोग बेईमान, लोग भक्त नहीं है, बेईमान है, चालू हैं, वो कहते तो अब तो ना लाइसेंस मिल गया, अब तो हम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, घूमने जाएंगे, टूरिज्म करेंगे, पार्टी करेंगे, क्योंकि भगवान कहते बस आखिरी टाइम मुझे याद करो। समझ रहे हो गीता के अर्थ का अनर्थ कैसे होता है? अंत काले च माम स्मरण, भगवान ने बोला ना आखिर में जो मेरा स्मरण करेगा सो मुझको ही प्राप्त होगा, तो सब लोग कहते ये काम बढ़िया। तो भगवान कृष्ण का एक तस्वीर लगाया, मंदिर बनाया घर में छोटा सा, प्रभु बैठो वेट करो, जब ही हम मरने वाला होवेगा तब तुझको याद करेगा। और फिर गंगा जल का एक छोटा सा लोटा रखा होता है ना घर में, इतना सा लोटा गंगा जल का पड़ा हुआ है, और वो बेचारा वहीं पड़ा रहता है, कोई नहीं देखता उसको। और जब कोई घर का टपकने वाला होता है तो सब कहते गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ, इसके कान में गीता बोलो, गीता बोलो, और उसको कुछ सुनता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, क्योंकि पहले ही कान में मशीन लगी पड़ी थी। यू नो वन ऑफ माई डिसाइपल, ही इज 84 ईयर्स ओल्ड, ही हैज टू मशीन्स, यू नो वन इन लेफ्ट वन इन राइट, एंड येट ही कैनॉट हियर एनीथिंग। सो वेन ही सिट्स, सो ही सिट्स वेरी क्लोज टू अ स्पीकर एंड देन ही पुल्स हिज ईयर लाइक अ डॉग सो दैट ही कैन लिसन मोर। प्लीज डू इट, यू विल नो, वेन यू कॉन अप योर ईयर वॉइस इज मच बेटर। Many are doing it. So he would do this with two machines and yet he cannot hear properly. And then out of desperation he every time says, he said, Guruji, mera hoga kya? Main kaha koi nahi, Bhagwan ne bola ant kale. हाँ, तो भगवान का स्मरण उस समय कर लेना। कह रहे अंत काल में कहाँ से करूँगा, अभी जब बैठता हूँ ना तो पोता याद आता है, पोती याद आती है, बच्चे याद आते हैं, वो जो छुपा के बैंक के अकाउंट बनाए हैं ना, देखो सब चोर हंस रहे हैं। बोले वो याद आते हैं, जो फैमिली से छुपा करके शेयर खरीद रखे वो याद आते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीद के रखी वो याद आती, फिर याद आता ओ उसको तो अभी किराया ही नहीं आया, उसका तो किराया आना था, फिर फोन करना पड़ता है। सो आई एम थिंकिंग मोर अबाउट माई बैंक अकाउंट्स एंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड इट इज हार्ड टू रिमेंबर लॉर्ड नाउ, हाउ विल वी रिमेंबर एट द डेथ बेड। आई सेड वाला दैट इज वॉट आई एम सेइंग एवरी डे, इफ यू डोंट डू द नाम स्मरण नाउ यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू डू एनी नाम स्मरण एट द डेथ बेड।
लेट मी गिव यू अ स्टोरी. एक आदमी आखिरी सांसों पे था, सारे घर वाले इकट्ठे हो रखे थे, हैं ओके, अभी मरे के अभी मरे, बस यही हो रहा था. और मर नहीं रहे, अभी कुछ घंटे लग गए तो अभी अभी गए, अभी हैं बाबूजी, हैं फिर, अच्छा बाबूजी हैं, है सांस चल रही, हाँ चल रही. इतने में बाबूजी ने ऐसा आवाज निकाला, तो बोले बा, बोले क्या बोले, सब पूछे क्या बोले, व्हाट इज ही सेइंग. सो ऑल द थ्री सन्स स्टार्टेड डिबेटिंग, व्हाट डज ही मीन, मे बी ब मीन्स बक्स, ही मस्ट हैव केप्ट बॉक्स इन विच ट्रेजर इज. तो हिला में बाबूजी बाबूजी, ब मतलब पूरा बोलो, फिर से बोलो, फिर बोलो ब, अरे फिर ब, बोले बक्सा. बाबूजी को कोई बक्सा है, अब आपस में सब भिड़ने लगे, बक्सा है, बॉक्स है. सो दे केप्ट ऑन जस्ट, एंड आउट ऑफ डेस्परेशन द ओल्ड मैन मस्टर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड ही सेड, बकरी सब्जी खा रही है. When everybody was attending him, there was this stray goat who had come in and was eating their vegetables. So he's with all the strength, he's worried about that goat. So ba ba, और घर वालों को पैसे ही सूझ रहा है, बुढ़ा कुछ माल देगा हमको. अब मुझे आप बताइए, अंत काले चमामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये शरीर रूपी कलेवर को ईश्वर का स्मरण करते हुए जो छोड़ेगा सो ईश्वर को प्राप्त होगा. बट हाउ, तुम अभी देख लो ना, तुम्हारा मन सारा समय क्या सोचता रहता है. एक सज्जन बता रहे थे, वो कहते मैं बैठा सत्संग में, आपने कहा ना रोज बैठो, तो मैं बैठ गया, आंख बंद करी, श्वास गहरा किया, और अभी मंत्र शुरू ही हुआ तो इतने में खुशबू आई, सूजी भून रही कहीं. तो मेरे मन में आया, पत्नी को भी यही टाइम मिला था हलवा बनाने का, अब मैं यहां भजन में बैठा हूं, ये हलवे बना रही है.